हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत दोबारा हमारे चैनल में। मैं अमित सेमवाल, पकौड़ा क्वीन, और मैं निशा, आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ से। कहाँ से करते हैं? आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं चंडीगढ़ के हाईवे पे। और चंडीगढ़ में हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने चंडीगढ़ में हम सिर्फ सुबह सुबह जो है घूमने में लगे पड़े क्योंकि हमें भाई सच में मतलब इतना डिफिकल्ट। गूगल मैप भी ऐसे झट झट के मार रहा था। हमको हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है मनाली जाना है, बट हमें चंडीगढ़ पहुंचने के बाद हमें मिला ही मनाली का रास्ता, और फाइनली हमको मिल गया। तो अब हम आराम से मतलब मैं पकौड़े चाय पी रही हूँ। ये तो खाते नहीं है, मतलब अभी चाय नहीं पी रहे हैं, और बच्चा भी अभी कुछ नहीं खा रहा, बस मैं ही खा लेती हूँ। फिर बच्चा खा लेती हूँ बच्चा नहीं पकौड़े खा लेती हूँ यार बच्चा खा लेती हूँ। तो गाइस, जो अभी तक इस चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कमेंट भी करो, और आगे देखो हम लोग क्या मस्ती करने वाले, धमाल मजा उठाने वाले हैं आज। मनाली जाने जाने तक, मनाली में तो करेंगे ही, लेकिन मनाली जाने जाने तक हम क्या करते हैं वो सब आपको दिखाएंगे। तुम्हारे साथ बने रहिए और मेरे को पकौड़े खाते हुए आप देखिए। सब्सक्राइब करो यार जल्दी से, ठीक है? टक टक मारो उस पर। आप भी बोलो जल्दी सब्सक्राइब करो दोस्तों, मित्रों जल्दी सब्सक्राइब कर दो। फाइनली हमको मनाली वाला रास्ता मिल गया है, और अब हम मनाली वाले रास्ते में हम आपको पच्चीस से बता रहे हैं बहुत टाइम से चंडीगढ़ ही घूम रहे हो। चंडीगढ़ पंचकुला पता नहीं कहाँ का आधा घंटा अंदर ही अंदर घूम रहे, लेफ्ट राइट। तो अब फाइनली हमको मिल गया, तो हमने थोड़ा रिलैक्स किया कि हाँ मिल गया है। फिर इन्होंने ये तो कुछ खाते नहीं है सुबह सुबह, तो मैंने ही खाए पकौड़े और चाय, और अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अद्विक को भी थोड़ा एक आध पराठा, फिर हम भी पराठे वराठे खाएंगे। तो चलिए हमारे साथ हमारी इस सफ़र में जो है इस सफ़र के भागीदार बनिए और इस सफ़र को देखिए। ये हमने पकड़ लिया है दोस्तों। बोर नहीं करेंगे, टेंशन मत लो यार, ठीक है? पहले सब्सक्राइब दबाओ, तुम्हारे चक्कर में लाल लाल पहन के घूमता रहता हूँ कि सब्सक्राइब याद आता रहेगा और मैंने भी आज रेड रेड पहना है हमारे साथ आप मनाली का सफर कीजिए और देखते रहते हैं। वैसे फिलहाल तो अभी तो इतना कुछ इंटरेस्टिंग दिखा नहीं है, सब कुछ वही सड़कें वही हाईवे, जो कि आप लोगों ने हमसे ज्यादा देखे होंगे आपने तो हाईवे हम तो पहाड़ों में जो मजा है ना भाई साहब, हर एक मोड़ के बाद एक जो आनंद मिलता है। बात नहीं, देखो आप पहाड़ फिर शुरू हो रहे हैं यहाँ भी। नाम ले यार पहाड़ है, देखिए पहाड़ शुरू हो रहे हैं। अब आ रहा हूँ भाई, ट्रकों ने दिमाग खराब कर दिया। ट्रक आने और जाने में है। इतने ट्रक हमने आज तक नहीं देखे जितने आज देख लिए। इस रोड में ना ज्यादा ट्रक मिलते हैं। तुम्हारे गले में क्या बैठ गया? मनाली का नाम सुनते मेरी गला बैठ गया, ठंडा अभी से फील होने लग गया। हम रुके हैं ढाबे में, और हमने सोचा कि हम सुबह जल्दी निकल गए थे, हमने कुछ भी नहीं खाया, तो इस समय हम खा रहे हैं पराठा, जो कि आपको पता होगा अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हो, व्यूअर्स हो। तो मेरे को पराठा बहुत पसंद है, तो हमने आलू का पराठा विद बटर और दही के साथ हम खा रहे हैं। फिर उसके बाद हम अपना सफ़र तय करेंगे आगे का। और यहाँ पे जो है अभी तक तो हमें काफ़ी गर्मी मिली है, देहरादून में इसके हिसाब से मौसम थोड़ा सा हल्का सा ठंडा सा है, पर आप देखते हैं जैसे जैसे हम मनाली की तरफ कुछ जाते हैं तो कैसा मौसम होता है। तो फिलहाल तो हम बढ़िया वाले टेस्टी पराठे खा रहे हैं। फरमाइश पे गन्ने का जूस हाजिर, भैया निकाल रहे हैं वहाँ पे गन्ने का जूस, और एक लड़का हमारे साथ, पी लो चलो।
चार क्लास आ गए तुम्हारे लिए। अच्छी वाली गर्मी है फिलहाल तो, बहुत अच्छी वाली गर्मी। तो गाइस हम पहुंच गए मंडी और ये मंडी का मार्केट है। ये देखिए बड़ी चहल पहल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है हवा भी अच्छी बह रही है, मतलब ठंडी ठंडी हवा बह रही है ना, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो शीशे खोल के हम भी वो ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और देखिए चहल पहल कितनी है, जाम देखिए आप। पहले तो आप ऐसे टूरिस्ट प्लेस में ना इतने जाम होते हैं, और यहाँ मनाली या मंडी यहाँ इस साइड तो बहुत ज़्यादा जाम होता है। तो आपको देख रहे होंगे आप कितना जाम है, देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी कतई खतरनाक ही हो रही है। और हमारा जो डेस्टिनेशन है उस में पहुंचने तक हमें कितना टाइम लग जाएगा, कम से कम दो से तीन घंटे लग जाएंगे अभी मनाली पहुंचने में। पर हम मंडी के मार्केट तक तो पहुंच ही गए हैं। रात को देखते हैं कैसा मौसम होता है, रात को सही होगा मुझे लग रहा है। चलो रात को देखेंगे कैसा है मौसम, इस टाइम पे तो है यार कटिंग चल रही है, कटिंग देखो। हाँ देखो पहाड़ों की कटिंग चल रही है भाई, मशीन कहाँ जाके है काटने, तो दांत बहुत तेज है तो काट ले। यहाँ भी ओवरटेक करना है आपको। ओवरटेक करना इज बैड हैबिट। सॉरी पहाड़ों में तो कतई नहीं करना चाहिए। मनाली चंडीगढ़ हरिद्वार जा रही वापिस। ठंड का एहसास हुआ जा रहा है भाई, देख रहे हो बहुत जरूरी है। अकेले गई और अकेले ले आई, और इनको देखो खाते नहीं है सिम्बा साहब, बिल्कुल नहीं खाते इनको आइसक्रीम से ना, सब नफरत। नहीं नहीं मैं खाता हूँ भाई, गर्मियों में कौन किसको पसंद नहीं होती भाई आइसक्रीम। मैं अपनी आइसक्रीम शेयर नहीं करती। अच्छा जी दुल्हन आ रही है पीछे से, देखो दिखाऊं अब हम देहरादून से जाने वाले हैं मनाली। तो इसका मतलब ये है कि हमारे आने वाले ब्लॉग्स होंगे मनाली के, जिसमें हम मनाली की खूबसूरत वादियाँ आपको दिखाने वाले हैं, और वहाँ की कुछ अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं जिनको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आपके लिए। तो गाइस अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आगे आने वाले जो ब्लॉग्स होंगे उनको खूब सारा प्यार दीजिएगा। देखिए हम टनल के अंदर से होते हुए जा रहे हैं, कितनी लंबी टनल है और ये बहुत ही लंबी टनल है, मतलब ऐसा लग रहा है कि 4-5 किलोमीटर का। हाँ बहुत लंबी होगी ना, बहुत लंबी टनल है, उससे होते हुए हम चल रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम आए हैं अपनी कार से, बट अगर आप आना चाहें देहरादून से तो आप वाया बस आ सकते हो, बिकॉज बस की सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं। आप वहां से नॉर्मल बस चलती है देहरादून से, जिसका किराया है 937, तो आप आराम से देहरादून से आ सकते हैं। या अगर आप हरिद्वार से आना चाहें तो आप हरिद्वार से भी वॉल्वो बस से आ सकते हैं, जिसका किराया है 1742 रुपये। तो आराम से आप हरिद्वार से आइए या देहरादून से आइए, बस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आराम से मनाली आइए, घूमिए फिरिए और मज़ा लीजिए, जो कि हम भी लेने वाले हैं। वाओ सीरियसली मैं इनको देख के निकलता ही वाओ है। और हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ को बस पहुँचने ही वाले हैं, और ये पेड़ देखिए आप, इनके वजह से यहाँ ठंडा नहीं होगा तो और क्या होगा। और बहुत ही घर पहुंचने वाले हैं, खूबसूरत खूबसूरत वादियाँ। कितनी अच्छी लोकेशन पे लिया है तुमने यार। मैंने अपना घर, अरे लेंगे अपना घर मैं ही इतनी खूबसूरत लोकेशन में ही लूंगी, बट फिलहाल अभी हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली, में वही पहाड़ वही हरी भरी वादियाँ हमारे पीछे करते करते हमें पकड़ ही। हम उनको फॉलो करते करते आ ही जाते हैं। देखो अब हम आपको
वादियाँ दिखा रहे हैं। और अगर आप दिल्ली से आना चाहते हो, दिल्ली से कई सारी बसेस चलती हैं मनाली के लिए, तो आप आराम से मनाली के लिए दिल्ली से भी बस पकड़ सकते हैं और आ सकते हैं मनाली। और अगर आप देहरादून से फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है जहाँ से आप फ्लाइट ले सकते हैं। और यहाँ मनाली में सबसे निकटतम जो एयरपोर्ट है वो है भुंतर एयरपोर्ट, वहाँ तक आ सकते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं और मेरे से लाइक कर दो इसी बात पे, हम पहुंच गए। बहुत लंबा सफर था गाइस, सीरियसली मैं मेरी आवाज बैठ गई है। तो हम अपने मतलब डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं और अब हम कार से मेरी सच में आवाज बैठ गई है कार से हम सारा सामान जो है अब निकाल के रखने वाले हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, इस तरीके से हम करेंगे काम अपना। चलिए देखिए ये निकाल रहे हैं, वहीं पे रहना ठीक है, वो बाहर आ जाएगा नहीं तो डॉगी काटेगा उसको। चलो अभी कोई छोड़ दियो, जर्मन शेपर्ड बहुत बड़ा, वो बैठा हुआ, वो बैठा हुआ डॉगी, बस चलो ठीक है। तो चलिए अपने इस ब्लॉक एंड हम यहीं पे करते हैं, हम आ गए, हमने आपको बार बार बता ही दिया है और हम अपना सामान निकाल रहे हैं, रेस्ट वेस्ट करते हैं और इस आगे की जो जो भी हम करेंगे वो आपको बताते रहेंगे, ऑब्वियसली ब्लॉग के थ्रू आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, लाइक करो।